नमस्कार, मैं सुनील हालाखंडी और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज और व्यूज। आशा है आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। आज मैं बात करूंगा राहुल गांधी के यूनाइटेड स्टेट्स के दौरे पे। ये अंकल सैम के देश में उनके अंकल सैम यानी सैम पेट्रोदा ने ऑर्गेनाइज किया था। इसके पीछे कहा जाता है कि कुछ क्रिश्चियन मिशनरियों का भी हाथ है जो कि भारत में कुछ एनजीओ को फंड करती है। एनीवे, रिलेशन उससे ये नहीं है। राहुल गांधी ने पहले दौर में बर्कले यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करते हुए ये कहा कि 2012 में कांग्रेस को घमंड आ गया था और उसका नतीजा था कि 2014 में कांग्रेस चुनाव हार गई। दूसरी बात, जब उनसे पूछा गया कि आप तो एक डायनेस्ट हैं, आप केवल इसलिए राजनीति में कि आप डायनेस्ट हैं, इस पर उन्होंने कहा कि आप ये सवाल मुझसे ही क्यों पूछते हैं, भारत में तो डायनेस्टिक प्रथा है। आप कहीं भी देख लीजिए, अखिलेश यादव एक डायनेस्ट है, वहां स्टालिन करुणानिधि के डायनेस्ट हैं, आदि आदि। तो मेरे से डायनेस्ट के सवाल क्यों पूछा जा रहे हैं। खैर, गनीमत है कि उन्होंने ये नहीं कहा, जैसा कि एक मेरे फेसबुक यार ने कहा कि इटली में माफिया भी तो डायनेस्ट ही ग्रुप है जहां से उनकी मदर बिलोंग करती है। और जहां तक कांग्रेस में डायनेस्टी का सवाल है, कांग्रेस में केवल एकमात्र नेहरू गांधी डायनेस्टी है, बाकी दूसरी नहीं है। यदि आप कहें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर सचिन पायलट भी डायनेस्ट है तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि उनको तो जो कांग्रेस में स्थान मिला है वो एक अनुकंपा नियुक्ति है। ऐसी अनुकंपा नियुक्ति राजीव गांधी की भी हुई थी, जब इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद उन्होंने उन्हें प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया था। एक और कार्टून भी जो लोकल न्यूज़पेपर में आया था, उसमें कहा था कि क्या राजीव गांधी ये बात कर रहे थे कि भारत में डायनेस्टी की, गरीब का बेटा गरीब और उसका बेटा भी गरीब, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी की डायनेस्टी चली आ रही है। तो ये एक सोचने वाली बात है। और स्मृति ईरानी ने सही कहा कि वो एक फेल डायनेस्ट है, यहां तक कि जो भी डायनेस्टी चाहे अखिलेश यादव भी फेल और स्टालिन भी फेल है, केवल इंदिरा गांधी ही एक सफल डायनेस्ट रही थी। फेल इसलिए भी है क्योंकि अभी तक उनको कांग्रेस प्रेसिडेंट भी नहीं बनाया गया। 2000 कम से कम वो तीन बारी से सांसद हैं, तो ये तो डायनेस्टी की बात होगी। उसके बाद एक और उन्होंने ट्रांसपेरेंट खुल के बात की, उसमें ये कहा कि यूपी में विजन की कमी थी, विजन नहीं था इसलिए भी हार गई। और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि हम रोजगार प्रदान नहीं कर पाए नौजवानों को, इसलिए भी हम हार गए। ऐसा ही उन्होंने कहा, यहां तक कहा कि अमेरिका में ट्रंप जैसा भारत में मोदी जीते हैं, वो भी वहां अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या थी पिछली गवर्नमेंट के साथ, इसलिए जीते हैं। तो कुछ दूसरी ट्रांसपेरेंसी कही। इसके बाद मुझे लगा कि शायद मैं वास्तव में एक राजीव गांधी का पुनरुत्थान हो गया है। या मैं सही कह रहा हूँ, राहुल गांधी का नहीं, राजीव गांधी का, क्योंकि राजीव गांधी ने भी इस तरह के स्टेटमेंट दिए थे पहले, जब वो नौसिखिया, जब वो शुरू में थे, या जब वो थे बेसिकली नौसिखिया, तो वो अपनी मृत्यु तक ही रहे थे। उन्होंने भी ये कहा था कि अगर देश सरकार एक रुपया खर्च करती है तो गवर्नमेंट के पास, तो गरीब आदमी के पास 6 पैसा ही पहुंच पाता है, बाकी सब लोग खा जाते हैं। तो एक ट्रांसपेरेंट था, तो मुझे लगा कि वही राजीव गांधी का रूप राहुल गांधी में आ गया है। तो यहां तक तो बड़ा अच्छा लगा, और इससे लगा कि शायद राहुल गांधी का भी उत्थान हो गया और एक नए राहुल गांधी हमको देखने को मिले हैं। लेकिन यहां तक तो वो सिखाया था, पूरा रिहर्स था, और मेरे को लगता है कि जो उनसे सवाल पूछे जा रहे थे वो भी प्री डिटरमिंड थे। तो यहां तक तो उन्होंने बहुत अच्छा चला और लोगों का इंप्रेशन बनने लगा कि राहुल गांधी एकदम फ्रेश और न्यू लुक आए राहुल गांधी हैं, जो कि एक्चुअली उन पर उड़ाया गया था। लेकिन उसके बाद सब्सिक्वेंटली वो उसी पर आ गए कि भारत में डिविसिव ताकतें काम कर रही हैं, एक विचारधारा को थोपा जा रहा है, वहां पे प्रेस की आजादी नहीं है और इनटॉलरेंस बढ़ती चली जा रही है। ये वो भारत नहीं है जो गांधी का या जो आप लोग अमेरिका में सोचते हैं। तो इस तरह से उन्होंने इस बात को वहां फैलाने की जरूरत महसूस की, इससे वो शायद 2019 का अपना चुनाव अभियान शुरू करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे कि सिमिलर डायलॉग से सोनिया गांधी ने अगस्त क्रांति की 50वीं जयंती पर किया था या 75वीं जयंती पे किया था। तो अंत में वही ढाक के 3 बार राहुल गांधी होके हुई है, क्योंकि जब सवाल पूछे गए तो वो उनकी वास्तविकता सामने आ गई, जो उन्होंने जिनको सिखाया गया था वो सब भूल गए। और जैसा कि होता है कि आगे बढ़ने के लिए आपको वास्तव में टैलेंट यानी योग्यता चाहिए होती है, और जैसा फिल्मों में डायलॉग होता है कि ब्यूटी कैन गेट यू 1 or 2 मूवीज, बट इफ यू वांट टू सक्सीड यू हैव
यू मस्ट नो द एक्टिंग. तो हियर में यहां पर भी उसको राजनीति दक्षता अगर होगी तो ही वो सक्सेसफुल होंगे, डायनेस्टी की वजह से भी नहीं हो पाएंगे. तो आपको इसी विचार के साथ छोड़ जा रहा हूं कि राहुल गांधी ने डायनेस्टी और जो खुल के जो किया उसका कोई नया रूप नहीं आया है देश के सामने, लेकिन हाँ कांग्रेस के सामने वो एक नए राहुल गांधी के रूप में प्रकट हो गए हैं. उनके चमचों को उनकी बढ़ाई करने का, चमचागिरी करने का इसके माध्यम से एक और मौका मिल गया है. और वो जो अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रियंका गांधी को राजनीति में लाया जाएगा उस पर उन्होंने इस दौरे के बाद रोक लगा दिया गया. और हो सकता है जैसे कि अगले महीने या इस महीने के अंत में उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष पद बना दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस की मजबूरी है, चुनाव आयोग को उन पर दबाव है कि वो इलेक्शन करवाए. धन्यवाद. इसी के साथ मैं आपको छोड़ जा रहा हूँ विचार के साथ कि राहुल गांधी कितने योग्य हैं, क्योंकि अभी तक तो उन्हें कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष भी नहीं बनाया है. धन्यवाद.